दिल्ली में भयंकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथियों वहीं पर ही अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई हैं। पुलिस वालों ने जमकर साथियों बता दें कि वहीं पर ही साथियों बता दें कि भयंकर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस तरह से बता दें कि हिंसा हुई है दिल्ली में। दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार शाम मुहर्रम में जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हो गई। पुलिस ने बताया कि तय रूट से अलग रास्ते पर ताजिया निकालने से मना किया, जिससे नाराज होकर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हिंसक भीड़ ने सड़क पर चल रहे वाहनों को निशाना बनाया, कार के शीशे तोड़े, यात्री बस में से पत्थर फेंके। जी हां, जिससे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस झड़प में 6 पुलिसकर्मियों सहित 12 लोग घायल हो गए हैं और कई वाहनों को नुकसान भी पहुँचा है। DSP आउटर हरेंद्र सिंह ने बताया है कि घटना शनिवार शाम 6 बजे की है। नांगलोई इलाके के कई ताजिया जुलूस निकाले जा रहे थे, इसमें लगभग 10,000 लोग हिस्सा लिए। तभी रोहतक रोड पर कुछ लोगों ने तय रूट से अलग रास्ते पर ताजे ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने मना किया तो कुछ उपद्रवी हिंसक हो गए। DSP ने आगे बताया कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, सड़क पर चल रहे राहगीरों को भी निशाना बनाया था। पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ को हल्के लाठीचार्ज से तितर बितर किया और व्यवस्था तुरंत बहाल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।